सो गाइस, रिसेंटली जिस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स देने वाला हूं, भाई NBFC RBI रजिस्टर्ड कंपनी है और रिसेंटली मैंने यहां पे 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है। सारा प्रोसेस आप लोगों को समझाऊंगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना लगता है यहां पर लोन अप्रूव होने में और क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ सकता है। गाइस, अगर एप्लीकेशन की बात करो तो भाई कैश पो एप्लीकेशन का नाम है, रिसेंटली NBFC RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर यहाँ से आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिसेंटली आज मैंने अप्लाई किया भाई 2 लाख रुपए का लोन, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड मिलेगा वो आपको 1 ईयर्स का मिलेगा, 12 महीने की EMI मिलेगी आपको, जिसमें जो EMI जाएगी वो जाएगी 21,900 कुछ रुपए की। रिसेंटली आपको डिटेल समझा देता हूँ, अभी लोन मेरा अप्लाई हुआ है, अप्लाई होने के बाद यहाँ पे लोन अप्रूव होगा, उसके बाद एक वीडियो वेरिफिकेशन होगा, समथिंग जो भी चीज़ें हैं मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझना पड़ेगा और किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। देखिए, अभी लोन अप्लाई हुआ है, फिर लोन अप्रूव होगा, वो भी ऑन कॉल, मतलब कॉल तो इनका सुबह आएगा जरूर, इतना मैं जानता हूँ। उसके बाद एक वीडियो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ऑटो सेटअप डेबिट होगा, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट लगने वाला है, उसके बाद लोन अमाउंट को डिस्पर्स कर दिया जाएगा। अब 2 लाख रुपए के लोन में 12 महीने का इन्होंने टाइम पीरियड दे दिया है और 21,000 कुछ की EMI इन्होंने बना दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है, अगर आप कैलकुलेट करते हो 2 लाख रुपये का लोन एंड 12 महीने की EMI 21,000 कुछ की EMI है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो लगने वाला है भाई 2.53% का, और जो प्रोसेसिंग फीस रहेगा वो 4,000 रुपये रहेगा। इसलिए जो है मैंने 12 दिन का जो है टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है, क्योंकि थोड़ा सा ईजी भी प्रोसेस रहेगा और फास्ट भी प्रोसेस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज डेट अगर आप अप्लाई करो, एक तो पहली बात तो ये हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा प्लस पॉइंट ये है इस एप्लीकेशन को लेकर अगर यहाँ से आप लोगों को मिल जाता है या फिर अप्लाई करते हो तो ईजिली प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस इसमें आपको फॉलो नहीं करना होता है। लेकिन अगर यहाँ से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो ईजिली अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पे 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी, तब जाकर जो लोन है वो आपका अप्रूव किया जाएगा। वो भी मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बट हो भी सकता है कि जल्दी अप्रूव हो जाए, लेकिन हाँ आप लोगों को ट्राई तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको मिलेगा कैसे। रिसेंटली इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहो तो इसे डाउनलोडिंग करके ईजिली अप्लाई भी कर सकते हो।